हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी गर्मी आ गई है, और गर्मी में यार जब खाना खाने बैठो तब लगता है कि यार कुछ टेस्टी सा अचार मिल जाता, सलाद मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो बस उसी के लिए मैं एक टेस्टी से अचार की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप पहले दिन से ही उसे खाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी इसे स्टार्ट करने, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 से 6 कच्चे आम, यहाँ पर तीखेपन के लिए लाल मिर्च का पाउडर, 1 पूरे लहसुन को यहाँ पर मैंने छीलकर ले लिया है, 4 बड़े चम्मच यहाँ पर सरसों, और 5 से 6 चम्मच यहाँ पर मैंने सरसों तेल लिया है। तो सबसे पहले आम को पानी में अच्छी तरीके से धोकर हम उसे पोंछ लेंगे। किसी भी अचार को बनाने से पहले जो भी उसमें सब्जियां और फल लगते हैं उन्हें हमेशा धोकर पोंछ कर साफ कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से साफ हो गया है। इसी तरीके से हम इसे भी पोंछ लेंगे और बाकी के बचे हुए आमों को भी धोकर साफ कर लेंगे। आम को धोकर साफ करने के बाद अब हमें इसे छीलना है। इसे अच्छी तरीके से सारे छिलके उतार लेंगे, जितना भी हरा हरा भाग होगा उसको पूरा निकाल देना है हमें। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से इसका छिलका निकाल लेना है। तो इसी तरीके से बाकी के आम को भी हम छील लेंगे, और छीलने के बाद इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। इस आम के अचार को हमें कूच कर बनाना है, इसीलिए हम इसे छोटे छोटे भागों में काट रहे हैं। और जिस आम में इस तरीके से काला पड़ गया हो या उसे चोट लगी हो, उस भाग को काट कर निकाल लें इस तरीके से। तो सारे आम को ही हम बारीक बारीक काट लेंगे, जिससे हमें कूटने में आसानी हो। तो ये देखिए, सारे आम को हमने इस तरीके से काट लिया है। तो अब पहले मैं लहसुन को कूट लूँगी, और उसी में फिर मैं आम को कूटूँगी। तो लहसुन को भी हमें दरदरा ही कूटना है, उसे बिल्कुल भी मेही पेस्ट नहीं बनाना है। तो अब लहसुन भी दरदरा कूट चुका है, तो इसे मैं निकाल दूँगी 1 कटोरी में अलग से। आप अगर चाहें तो इसी तरीके से थोड़ा सा अदरक भी कूट कर इसमें डालकर ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतना दरदरा है। अब मैं इस आम को भी थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें कूट लूँगी। अगर आपके यहाँ सिलबट्टा है तो आप इसे सिलबट्टे में भी कूट सकते हैं, उसमें बहुत ही आसानी से ये कूटा जाता है, जबकि इसमें कूटने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसे भी हमें दरदरा ही कूट लेना है, जिस तरीके से हमने लहसुन को कूटा था। तो हमें जितना ज़रूरत है उतना दरदरा आम भी यहाँ पर कूट चुका है। तो मैं अब इसे बर्तन में निकाल लूँगी। इसे उसी बर्तन में निकालें जिसमें आपको अचार बनाना है और धूप में दिखाने के लिए रखना है। तो मैं इसे इस गंजी में निकाल लेती हूँ, और बाकी के आमों को भी मैं इसी तरीके से कूट लूँगी दरदरा। ये देखिए, इसे बहुत ज़्यादा मेही या बहुत ज़्यादा खड़ा खड़ा नहीं रखना है। इसी तरीके से बाकी आम भी कूट लें। तो अब मैं सरसों को भी मिक्सी के जार में पीस लूँगी। सरसों को भी हमें बहुत ज़्यादा मेही नहीं करना है, हल्का हल्का ये भी दरदरा रहेगा इस तरीके से। तो बस अब हमारी सारी सामग्री तैयार हो चुकी है। तो कूटे हुए आम में मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर, सरसों जो हमने अभी पीस कर रखा था, कुटा हुआ लहसुन और कलर के लिए यहाँ पर डाल लूँगी मैं हल्दी का पाउडर। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मैं ये रेसिपी रात में शूट कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें नमक नहीं डाल रही, नहीं तो पूरे आम में वो पानी छोड़ देगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सरसों तेल। सरसों तेल डालकर भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आप जब भी इस अचार को बनाएं तो दिन में ही बनाकर धूप में रखें। अगर आप रात को बनाते हैं तो इसमें नमक ना डालें, नहीं तो पूरा आम पानी छोड़ देगा। तो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसे छोड़ दूंगी ढककर रात भर के लिए। तो यहाँ पर अब दूसरा दिन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं इसे थोड़ा सा चलाकर मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालकर भी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
इसे हमें कम से कम 2 से 3 दिन तक अच्छी तरीके से धूप में दिखाना है, तभी हमने जो इसमें कच्चा सरसों का तेल डाला था वो अच्छे से पकेगा। तो मुझे इसमें तेल की मात्रा कम लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा और तेल डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो एक पूरा दिन इसे धूप में दिखाने के बाद खाना स्टार्ट कर सकते हैं, पर 2 से 3 दिन में ये अच्छे से पकेंगे। तो अब मैं इसे छन्नी की मदद से या फिर आपके पास कोई सूती कपड़ा हो तो उसकी मदद से ढक कर धूप दिखा लेंगे। तो ये देखिए, कम से कम आपको 2 से 3 दिन तक इसे धूप में पका लेना है और हमारा ये टेस्टी सा आम का कूचा का अचार बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, चावल किसी के साथ भी खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।